हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और आज की वीडियो जो है वो बहुत स्पेशल है, मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा स्पेशल है, आपके लिए भी स्पेशल होगी। आज हम करने जा रहे हैं अपने न्यू फ़ोन की अनबॉक्सिंग। तो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि न्यू फ़ोन मैंने इसलिए परचेज़ कर लिया क्योंकि अब मैं अपने जो चैनल की जो थोड़ा सा जो मेरा ट्रेंड है उसको मैं चेंज करने वाला हूँ। अब हम बुक रिव्यूज़ के हट के डिफरेंट वीडियोस बनाएंगे। अब मैं ट्रैवल ब्लॉग भी बनाऊंगा, फूड ब्लॉग्स बनाऊंगा। तो और इस हट के आपको बहुत सारी कुछ नई चीज़ें देखने को मिलेंगी, इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिलेंगी। सो हम स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं कि इस न्यू फ़ोन में क्या क्या फीचर्स हैं और मैंने ये फ़ोन किस वजह से परचेज़ किया। तो स्टार्ट करते हैं। ये है जी बॉक्स, जबरदस्त लुक है। बैक साइड भी है वो आपको, बैक साइड इसकी बहुत यूनिक है, मज़े की है। और अगर जब आप किसी को दिखाते हैं फ़ोन तो लुक्स वाइज अमेजिंग फ़ोन है, इनक्रेडिबल फ़ोन है, मज़े का फ़ोन है। देखने में जो है वो बहुत ज़बरदस्त इसकी लुक्स है। और चलिए इसको ऑन करके देखते हैं, फिर इसके बाकी फीचर्स भी हम आपको शेयर करते हैं। ये देखिए इसमें काफ़ी सारी ऐप्स जो हैं वो बिल्ट इन हैं, ऑलरेडी इसमें इंस्टॉल्ड थी, जैसे नेटफ्लिक्स है, लिंक्डइन है, और डिफरेंट नेटफ्लिक्स हो गया, और इसमें काफ़ी सारी जो हैं डिफरेंट ऐप्स थे ऑलरेडी इसमें मौजूद थी, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। यूज़ करने में बहुत ज़्यादा जो है फ्रेंडली लगा और बहुत इजी है इसको यूज़ करना। और जब किसी को दिखाते हैं तो एक जो फील होती है वाव, तो ये वाकई में वाव फील देता है ये फ़ोन। तो चलिए इसके बाकी जो है वो डिस्प्ले डिस्कस करते हैं, इसके फीचर्स। डिस्प्ले जो है उसका सुपर एमरल्ड डिस्प्ले है इसका, तो बहुत यूनिक, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया है, तो ज़बरदस्त इसका डिस्प्ले है, तो यूनिक है, मज़े में एक्सपीरियंस भी इसका जो है वो अच्छा फील आती है इसकी। और जब इससे आप पिक्चर्स क्लिक करते हैं तो ये देखिए ज़बरदस्त पिक्चर्स और वीडियो मेकिंग के लिए, पिक्चर्स के लिए ये ज़बरदस्त फ़ोन है। तो ये देखिए चार्जर केबल, सी टाइप केबल है, चार्जर है, ज़बरदस्त इसका इसका भी एक्सपीरियंस बहुत एक्सीलेंट है। इसको यहाँ पे रख देते हैं। और ये कवर तो हर फोन के साथ जब अवेलेबल होता है तो इसका भी काफ़ी मज़ा है। इसमें यह कि आपको जो डिस्प्ले जो है वो इसको अगर आप बचाना चाहते हैं, प्रोटेक्ट करना चाहते हैं फ़ोन को, तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा आसानी होगी कि आपकी फ़ोन की जो है मैक्सिमम प्रोटेक्शन होगी। और फ़ोन जब आपका अगर बुलाना पास गिर भी जाता तो उसमें जो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये रहे हैंड फ्रीज, ये भी देखते हैं। ओके, आई थिंक कोई ऐसा इशू नहीं है, ये हैंड फ्रीज जो है वो सिंपल है और बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं कि फैंसी लुक देने की कोशिश नहीं की। हैंड फ्रीज को जो है बिल्कुल सिंपल रखे हैं। और ये सैमसंग की बहुत एक प्लस पॉइंट है, क्वालिटी है कि वो सिंपलिसिटी में जो है वो एक बहुत आपको एक अच्छा डिफरेंट टच देते हैं। और जो वाव फील होती है वो आपको कह सकते हैं कि जब आप खुद देखते हैं, किसी को दिखाते हैं तो उसमें वाव फील की जो होती है। तो लुक एंड फील इसकी इस फोन की ज़बरदस्त है।
और इंटरेस्टिंगली मैं इसका वेट जब चेक करा था तो इसका वेट जो है वो ओनली 169 grams, तो लाइट वेट फ़ोन है। और आप जब इसको यूज़ कर रहे होते हैं तो आप बहुत ज़बरदस्त इसका एक्सपीरियंस आपको मिलता है। 3.5 mm पोर्ट है, सी टाइप इसका चार्जर है और रैम जो है वो 6 GB रैम है प्लस 128 GB रोम। तो प्रोसेसर वाइज भी अच्छा है, रैम और रोम अच्छी इसमें मैक्सिमम स्पेस इससे ऑक्यूपाई कर सकते हैं। और फास्ट चार्जिंग है, जैसे हमें टाइम टाइम का इशू होता है कि सम टाइम जो है वो फ़ोन जो है वो चार्ज होने में बहुत ज़्यादा टाइम ले होते हैं, तो उससे जो है वो सैमसंग ने ये अच्छी फैसिलिटी दी है अपने कस्टमर्स को और एक यूनिक एक्सपीरियंस उनको दिया है कि वो फास्ट चार्जिंग की फैसिलिटी को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। प्रोसेसर 9611 इसका प्रोसेसर। और जैसे मैंने डिस्प्ले की बात की है तो डिस्प्ले वाइज जो है वो बहुत ज़बरदस्त ये फ़ोन है और इसलिए मैंने जो है वो काफ़ी कुछ एक हफ्ते की जो है वो इस पर मैंने रिसर्च की कि मैं कौन सा फ़ोन जो है वो बाय करूँ। तो पहले तो मैंने सोचा था कि ओप्पो F17 और इसके बारे में मैं सोच रहा था कि मुझे ये फ़ोन लेना चाहिए या कौन सा फ़ोन लेना चाहिए। तो काफ़ी डिस्कशन के बाद और सोच विचार के बाद मैंने जब देखा, क्योंकि मुझे अपनी वीडियोस के लिए और अपनी पिक्चर्स के लिए जो है मुझे प्रोसेसर भी अच्छा चाहिए था, रैम और रोम की भी अच्छी चाहिए थी और कैमरास, जैसे मैं देखें ये कैमरास 48 megapixel, इसका जो मेन कैमरा 48 megapixel है और जो फ्रंट कैमरा इसका वो 32 megapixel है। तो ये चीज़ मुझे इस चीज़ ने मुझे बहुत अट्रैक्ट किया कि इसके जो फ्रंट कैमरा है वो 32 megapixel, तो इसका जो बैक कैम था वो भी 48 था। अगर मैं इसको कंपेयर कर रहा था जो F17 के साथ, तो सिर्फ ये जो जैसे एक जो इसका प्लस पॉइंट था जो इसे एक कंपैरेटिव एज मिला ओप्पो F17 पे वो इसका फ्रंट कैम था 32 megapixel और जो इसकी SD कार्ड की जो सपोर्टिंग कैपेसिटी थी वो 1 TB। Yes guys, 1 TB, it's amazing. मैंने ऐसा कभी नहीं सुना था अब तक कि किसी भी फ़ोन में 1 TB की कैपेसिटी भी सपोर्ट कर सकती है SD कार्ड। तो इसकी ड्यूल सिम है लेकिन और आप इसमें जो SD कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि 1 TB तक ये सपोर्ट कर सकता है फ़ोन। तो जब मैंने इसको चार्ज किया तो ये फर्स्ट टाइम में आई थिंक 15-20 मिनट्स में ये 100% चार्ज हो चुका था। तो नॉर्मली फ़ोन जो है वो काफ़ी टाइम लेते हैं, समटाइम्स 1 आवर तक भी चार्ज होने में टाइम ले लेते हैं, लेकिन इसकी जो एक बैटरी टाइमिंग अच्छी है और जल्दी चार्ज होते हैं और पिक्चर्स डिस्प्ले इसका एक बहुत यूनिक और बहुत ही अमेजिंग इनक्रेडिबल इसका रिजल्ट है जितना मैंने अभी यूज़ किया इसको। और इसी वजह से जो है मैंने सोच रहा था कि सोचा कि इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो भी बनाई जाए और आप लोगों के साथ भी इसके फीचर्स जो है वो शेयर किए जाएँ। और अगर आप सोच रहे हैं बाय करने की तो मैं आपको ये हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आप सैमसंग गैलेक्सी A51 आप बाय कर सकते हैं। एक अच्छा फ़ोन है, ज़बरदस्त फ़ोन है और जिस तरह से सैमसंग जो है वो उसकी क्वालिटी में उसकी जो है वो फीचर्स में हमेशा अपने कंपेटिटर्स को जो है आपको बीट करने की कोशिश करता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा सैमसंग A51 जो है वो दूसरे फ़ोन के साथ जो है वो कम्पीट कर सकता है, तो मैं इसको रिकमेंड करता हूँ। और मैं तो इसको परचेज करके मुझे ये तसल्ली हो गई है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो मेरा डिसीजन था ये फ़ोन बाय करने का वो बिल्कुल ठीक था और मैंने तो इतना एक वीक मैंने जो है वो उसमें टाइम लिया था। तो मुझे खुशी है कि मैंने जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो फैसला किया और सब कुछ देख बात की तब मैंने ये फैसला किया कि जी मैं A51 जो है वो बाय करूँगा। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और अपना भी एक्सपीरियंस आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट्स में, अगर आपने ये फ़ोन लिया है या आप ये फ़ोन कोई भी नया फ़ोन आप लेना चाहते हैं तो चेंज करना चाहते हैं तो आप ये फ़ोन ले सकते हैं। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस जो है आपको बहुत मज़े की वीडियोज़ देखने को मिलेंगी। और चैनल को अगर आप अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।